फिर आपकी शिफात के लिए नहीं आएगा या अल्लाह। क्या हम लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं? किसी लड़की के लिए अपना लाइफ बिल्कुल भी तबाह मत कर, फॉलो कर अपने गोल को, अल्लाह के राह में खर्च कर, हर काम अल्लाह के लिए कर, हर काम तवक्कल तो अल्लाह, या अल्लाह आप पे तवक्कल करके करता हूँ। अल्लाह हर कोई मुझे गलत साबित करना चाहता है, लेकिन आपके नज़र में मैं सही हूँ हमेशा यही। हर कोई आपको गलत सोचेगा, हर कोई। ये दुनिया का उसूल है, जो हक पे जाते हैं उसको हमेशा दीवाना साबित करते हैं। दीवाना मतलब यानी कि पागल बदरा, उनको आपको अवॉइड करना है, उनको आप दिल पे नहीं लेना है लोग। हाँ, फॉलो करना है इमाम हुसैन को, इमाम अली अलैहिस्सलाम को फॉलो करनी है, और हमारे माँ बहन उनको ज़रूरी है, लाजमी है कि वो लोग फॉलो करें हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। क्या था उनका मर्तबा, क्या था, और वो क्या चाहते थे अपने हस्बैंड से। अल्लाह अकबर। कभी कभार आप अपने दिल पे हाथ रखें, ये वीडियो देख के इमेजिन करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। नमाज पढ़ते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, हम बोलते हैं कि आखिरत में पकड़ लेंगे, ये करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे जहन्नमी होगा। तो कल भरोसे क़यामत अल्लाह आप लोगों से सवाल भी तो करेगा कि ये मेरे मखलूक, मैंने तुम्हें इतना अच्छा खासा ज़िंदगी दी, तूने नमाज नहीं पढ़ा मेरे लिए। तो बोले या अल्लाह मैंने तो बहुत नमाज पढ़ा, लाइफ टाइम नमाज पढ़ते रहा आपकी इबादत की। तो बोलेगा तूने नमाज मेरे लिए नहीं अपने लिए किया ताकि तू जहन्नम से नजात पाए। कभी ये पढ़ के नहीं, ये हाँ सोच के नहीं पढ़ा कि मौला फ़कत आपके लिए मैं नमाज पढ़ता हूँ, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं। अल्लाह की राह में खर्च कर, अल्लाह से मांग, अल्लाह पे तवक्कल रख। ये मोहब्बत वोब्बत ये सब खोखला वाली चीज़ है, इन लोगों से बाज रहे सके तो बहुत दूर जा इन चीज़ों से, वरना एक टाइम ऐसा आएगा पछताओगे आप बहुत। अल्लाह इंशाल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें इंशाल्लाह सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। आप लोगों का ज़हमत यहीं पर तमाम करता हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सैयद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा दाऊद अल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।